संभल के चंदौसी कोतवाली इलाके में एक तेज रफ्तार ट्रक का कहर सामने आया है, जहां नशे में धुत चालक ने ट्रक को नो एंट्री में घुसकर एक मासूम बच्चे को कुचल दिया। इस हादसे में मासूम की मौके पर ही मौत हो गई और घटना की सूचना पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने ट्रक चालक को पकड़कर जमकर उसकी पिटाई कर दी। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक चालक को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया। यहाँ पे गैरेज गेट में एक ट्रक अंदर घुस आया था, जिसका टायर ब्रस्ट होने के कारण एक बच्चा उसके नीचे दबकर उसकी मौत हो गई है, और उस संदर्भ में ड्राइवर और क्लीनर दोनों को हिरासत में ले लिया गया है और ट्रक को थाने में भिजवाया जा रहा है। सर, नो एंट्री में ये वाहन अंदर आते हैं, लगातार जा रहे हैं, इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है? इसकी जांच की जाएगी कि आखिर नो एंट्री पे तैनात पुलिसकर्मी या जो भी था, इसके लिए कौन जिम्मेदार था, इसकी भी जांच की जाएगी और जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। संभल से मुजम्मिल दानिश, पंजाब केसरी टीवी। शनि काम बनाएंगे या बिगाड़ेंगे? गुरु किसका भाग्य संवारेंगे? कैसा रहेगा राहु का गोचर? मंगल से किसे लगेगी ठोकर? मैं बताऊंगा मेष से लेकर मीन राशि का हाल भविष्यवाणी लाइव में पंजाब केसरी टीवी पर रोज सुबह 8 बजे।